अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। यहाँ हम आपको दिखाएंगे ताज़ा तरीन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्राइम और शोबिस की खबरें। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास आज होगा। नो नकाती एजेंडा जारी। काबीना रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को वजारत इंसानी हकूक मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद रूस के सरकारी दौरे पर रवाना। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे जस्टिस शेख अजमत सईद ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। रावलपिंडी में आर्मी एविएशन का छोटा त्यारा आबादी में गिरकर तबाह। हादसे में दो आर्मी पायलट और अमले के तीन अरकान समेत 17 अफराद शहीद। वजीर आजम का हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कंधार में अफगानी अहलकार की फायरिंग से दो अमरीकी फौजी हलाक, तीन जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर अफगानी फौजी भी हलाक हो गया। अमरीकी हुकाम ने इसे अंदरूनी हमला करार दे दिया। सरफराज अहमद के मुस्तकबिल का फैसला क्रिकेट कमेटी इजलास में नहीं होगा। पीसीबी के एमडी और क्रिकेट कमेटी के सरबराह वसीम खान का कहना है कि 2 अगस्त को क्रिकेट कमेटी इजलास में हेड कोच मिकी आर्थर, कप्तान सरफराज अहमद और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से परफॉर्मेंस पर सवालात किए जाएंगे। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त की नई फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया। फिल्म नगरी में संजू बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले संजय दत्त की नई फिल्म KGF चैप्टर 2 का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।